हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए पुलिस विभाग से एक सिद्धि भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है 8वीं पास। यदि आप 8वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके वर्दी वाली जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और टोटल ओपन नंबर वैकेंसीज आपको 1000 पोस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कम पढ़े लिखे अभ्यर्थियों के लिए वर्दी वाली नौकरी लेकर आए हैं। तो यदि आप 8वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके वर्दी वाली जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और इसी प्रकार की जॉब रोजाना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेसिक जानकारी बताई है और इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन पुलिस सिद्धि भर्ती प्रक्रिया 2022 यानी कि न्यू वैकेंसीज है आपकी। पुलिस ने अधिसूचना जारी कर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए उम्मीदवार निर्धारित तिथि से समय पर रैली में हिस्सा ले सकते हैं और ये आपके सबसे पहले फॉर्म ऑनलाइन होंगे और इसके बाद आपकी रैली भर्ती प्रक्रिया होगी। और इसके बाद आपको फ्रेंड्स इसमें बताई गई है टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज 1000 पोस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। बात की जाए जनरल की 583 पोस्ट जनरल को मिल रही है। इसके बाद एससी को 328 वैकेंसीज मिल रही है और एसटी को 89 वैकेंसीज मिल रही है। तो ये आपकी इसमें टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको वर्गवार बताई गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको वेतन बताया गया है। लेवल 6 का आपका वेतन रहने वाला स्टेट गवर्नमेंट का, तो 6 में आपको मिलेगा 18,000 से 140 और 57,860 रुपये पर मंथ तक आपकी इसमें वेतन रहेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स बात की जाए शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता आपकी यहाँ रखी गई 10th पास और इसके बाद अथवा समकक्ष योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद 8वीं पास भी यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। हालांकि एससी एसटी वर्ग के लिए 8वीं पास निर्धारित की गई है, यानी कि जो एससी एसटी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास है और जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। यहाँ आपको आयु सीमा बताई गई है कि आपकी आयु सीमा क्या है, तो 18 से लेकर 28 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले ये बताया गया है कि आपकी इसमें रिटर्न है, रिटर्न के बाद इंटरव्यू है और इसके बाद इसके अलावा पदों के लिए शारीरिक योग्यता निर्धारित है, यानी कि आपकी शारीरिक योग्यता आपको इसमें बताएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में नेक्स्ट में। और इसी के साथ शारीरिक योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दस्ता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जो क्वालिफाई होगी। इसमें आपको दौड़ करनी होगी, लंबी कूद करनी होगी, हाई जंप जो है आपको करना होगा, पुल अप्स करने होंगे एंड शॉर्ट पुट शामिल है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट का नाम बताया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन त्रिपुरा पुलिस। ये त्रिपुरा पुलिस से वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है और कांस्टेबल एंड वुमेन कांस्टेबल एंड मैन कांस्टेबल की वैकेंसीज निकल रही है। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको 1000 वैकेंसीज मिल रही है और इसके बाद आपको नंबर ऑफ पोस्ट आपको बताएगी एस सी एस टी को कितनी पोस्ट मिल रही है। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज यहाँ इंक्लूड की गई है। इसके साथ फ्रेंड्स बात कीजिए नेम ऑफ पोस्ट और इसके बाद आपकी ये जो पे स्केल है कैसे मिलेगा वो जानकारी आपको यहाँ बताएगी। एज लिमिट आपको बताएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ बताएगी। आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दो प्रकार की आपको यहाँ मिल जाएगी, 10th है और इसके बाद एस सी एस टी के लिए 8वीं पास है, यानी कि जो एस सी एस टी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखी गई है जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए। इसके बाद आपकी हाइट यहाँ बताई गई है और इसी के साथ आपको दौड़ कितनी करनी होगी वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। तो आप कंप्लीट जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जान सकते हैं। यदि आप भी त्रिपुरा से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपकी कितने जो है पर्सनल आपका इंटरव्यू होगा वो 15 अंकों का होगा, एग्जाम होगी 85 नंबर की और आपको काफ़ी सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में बताएगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।